अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय व्यूअर्स जी। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए रिव्यू लाया 2012 मॉडल टोयोटा लैंड क्रूजर ZX का। ये तो वैसे पुराना मॉडल है। इस वीडियो में हम इस गाड़ी के प्राइस और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अभी जिस शोरूम पे मैं हूँ, ये फोर व्हील्स ऑटोमोबाइल शोरूम है। इन्होंने मुझे ये गाड़ी को प्रोवाइड किया, ये कराची में शोरूम। अगर कोई लेना चाहता है तो ये फोर व्हील्स ऑटोमोबाइल पे है। मैं इसके अभी प्राइस भी आपको डिटेल दे दूँगा, लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस गाड़ी के मैं सबसे पहले प्राइस की बात कर लूँ तो इस गाड़ी के प्राइस है 2 करोड़ रुपये। 2012 मॉडल है, ZX है। ये 5.7 लीटर V8 इंजन के अंदर आती है इस गाड़ी की। इस वीडियो में हम सबसे पहले आप इसके फ्रंट पे एक्सटीरियर की तरफ आ जाए तो फ्रंट पे इसके जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैलोजेंस हेडलैम्प्स मिलते हैं, जैसे कि जो न्यू मॉडल है 2021 वगैरह उसके अंदर, तो नए मॉडल में तो इस मिल जाते हैं हमें LED। इसके अंदर इंडिकेटर मिलता है और साथ जो शीशा मिलता है ये वर्ल्ड वाइड में तो हमें नहीं मिलता, बाकी जो पाकिस्तान में लैंड क्रूजर आएगी उसमें शीशा मिलेगा। फॉग लैंप्स मिलते हैं, साथ ही साथ नीचे एक पार्किंग सेंसर इधर फ्रंट पे मिल रहा है और बाकी उधर साइड पर। जो आपको नीचे इसकी बॉडी की नज़र आ रही है ये बाद में आफ्टर मार्केट इंस्टॉल की गई है। इधर LED DRL मिल जाते हैं जैसे कि डे टाइम रनिंग लाइट्स होती, और साथ इधर फ्रंट पे ग्रिल और टोयोटा का लोगों के बीच में कैमरा नज़र आ रहा है। ऐसा में इसके अंदर टेस्ला की LCD लगी, वो भी आफ्टर मार्केट इंस्टॉल है। इसमें फ्रंट में कैमरा नहीं आता, इन्होंने फ्रंट में बाद में दिए। इसके जो व्हील्स है 2012 मॉडल के अंदर यही वाले ओरिजिनल व्हील आते थे मिचलैन के। मैं साइड प्रोफाइल की बात करूँ, 360 व्यू कैमरा इसके अंदर मिल जाता है और साथ ही साथ इसके अंदर इंडिकेटर मिलता है, रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स है। 4 डोर्स में कीलेस एंट्री, जैसे कि आपको पीछे डोर्स में भी मिल रही है, 4 डोर्स में कीलेस एंट्री। जैसे कि आप इसकी बैक की लुक देखें तो इसके इंजन के बताऊँ तो 5.7 लीटर के अंदर V8 इंजन आता है, 8 सिलेंडर गाड़ी है। यहाँ पर लैंड क्रूजर की बैजिंग मिल जाती है ZX वेरियंट और यहाँ पर टोयोटा। अब इसकी डिक्की बताऊँ तो अब इसकी डिक्की अब लॉक हो गई है। अभी एक बार ऐसा मैं प्रेस करके इसकी डिक्की छोड़ दो ना, फिर ओपन हो जाएगी। जैसे कि अभी इसकी डिक्की को ओपन किए, 7 सीटर SUV है, बहुत ही पावरफुल टोयोटा की SUV है। सीट्स को कंट्रोल करना चाहिए, यहाँ पे आपको बटन वगैरह मिल जाएगी। यहाँ पे आपको DC वोट का चार्जिंग पोर्ट भी मिलेगा, अगर आप सॉकेट मिल जाता है सॉकेट से चार्ज करना चाहे। बाकी ये इसमें डिक्की के अंदर ये AC वेंट्स आपको वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अभी मैं अब अंदर तो नहीं जा सकता, बाकी AC वेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। बैक पे AC वेंट्स भी मिल जाते हैं, ऊपर भी नज़र आ रहे हो, यहाँ भी AC वेंट्स मिलते हैं। इसके अंदर ऑटोमेटिक बूट की तो ऑप्शन नहीं, बाकी अगर आप ये भी खोलना चाहे इसको ऐसे करेंगे तो ये भी नीचे वाले इसका भी खुल जाएगी डिक्की। बाकी अब इसकी में बैक कैमरा भी इसके अंदर मिलता है और बैक पे पार्किंग सेंसर आपको नज़र आ रहे वो भी मिल जाते हैं। अब इसकी इंटीरियर की तरफ आए तो इंटीरियर में इसकी जैसा कि वो आपको नीचे लाइट नज़र आ रही है, ये ऐसे स्टाइल टाइप दी हुई है। यहाँ पर हमें पावर विंडोज़ मिल जाती, मेमोरी सीट्स इसके अंदर मिल जाती। अभी मैं इंटीरियर दिखाता हूँ आपको। इंटीरियर पे इसके बैक पे AC वेंट्स मिलते हैं, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल पुराने ज़माने में भी आता था, जैसे कि आगे भी 2 जोन है, इधर 2 जोन नहीं मिला, फुल 4 जोन मिलता। सनरूफ इसमें नहीं मिलती, नए वाले में मिलती है। यहाँ पे लाइट मिलती, बैक पे भी लाइट है, बाकी AC वेंट्स यहाँ भी मिलते हैं। लेग स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस भी इसकी अच्छी है लैंड क्रूजर की, क्योंकि SUV टाइप व्हीकल है इसके अंदर, भी लेग स्पेस भी अच्छी मिलती है हमें। आपको इसके इंटीरियर में फ्रंट साइड पर जाके इसके फीचर्स बताता हूँ। इसके अंदर 4 डोर्स में कीलेस मिलती है, जैसा कि आपको नज़र आ रही है कीलेस ब्लैक के अंदर। एंटी थीफ टेलान सिस्टम भी इसमें मिल जाते हैं। अब इसके अंदर फीचर्स की तरफ आते हैं। अब फीचर इसके अंदर यहाँ पे पावर विंडोज़ और सेंट्रल लॉकिंग की ऑप्शन मिल जाती है। इस तरफ आ जाए तो इसमें हमें पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने की, रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स की, लाइट्स को कंट्रोल करने की ऑप्शन मिलती है, RSCA की ऑप्शन मिल जाती है। अगर आप 4x4 पे चलाना चाहें उसकी ऑप्शन है, ट्रैक्शन कंट्रोल की है। बाकी यहाँ पे हमें अडेप्टिव क्रूज़ की ऑप्शन मिल जाती है। मल्टीमीडिया इतनी नहीं फीचर मिलते, थोड़े बहुत वॉल्यूम के कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ पे आ जाए तो हैंड ब्रेक मिलती, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गेयर बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप इसको फोर व्हील्स को करना चाहे कंट्रोल, पावर वगैरह सेकेंड पे करना चाहे, क्रोल कंट्रोल ऑन करना चाहे। इस 2012 मॉडल में इतने फीचर तो नहीं इसमें दिए, वैसे थोड़े बहुत फीचर्स आते हैं। यहाँ पे 4x4 की कंट्रोल की ऑप्शन, ये पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है, ये टेस्ला स्क्रीन, ये बाद में आफ्टर मार्केट इंस्टॉल की है। अब ये आपको इधर दिखाऊँ तो इधर हमें फ्रिज मिलती है, जैसे कि आप फ्रिज वगैरह देख सकते हैं, इसके अंदर पूरी फ्रिज है गाड़ी की। अब ये मैं आपको ये यहाँ पर कप होल्डर रखने की ऑप्शन, कप वगैरह की। अब गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाऊँ तो अब ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर अब यहाँ पे ये लैंड क्रूजर की ऑप्शन आ रही, इस तरह करके इसके अंदर हमें फीचर्स वगैरह भी मिलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS की ऑप्शन, अडेप्टिव क्रूज मिल जाता है। थोड़े बहुत फीचर, अब न्यू वाली में बहुत ज़्यादा फीचर आए इसमें तो नहीं। इसके प्राइस 2 करोड़ है। जो न्यू वाली जो 2022 में नई शेप आई उसके प्राइस तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, 8 से 8.5 करोड़ रुपये प्राइस है उस वाली के। इसके तो 2 करोड़ है, पुराना मॉडल है।
तो ये था इसका लैंड क्रूजर का रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।